तो अंबिया अलैहिस्सलाम क्या करते थे कि इल्म रखते थे, और जिस जिस चीज़ की दावत देते थे तो यह है कि जब दावत दें तो एक दाई जो होता है जो दावत देने वाला होता है तो उसको मसाइल का इल्म भी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नहीं तो सोचते कि नहीं तो ही रिसालत आखिरत हो गया आप दे दें, कुछ मसाइल का इल्म जो ज़रूरी है फ़राइज़ है उसका इल्म उसके पास होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो कई काम करने जा रहा है बता रहा है तो किसी ने वहाँ पर कुछ उससे पूछ लिया कि नमाज का ये मसला क्या है तो बोले यार मसाइल नहीं मालूम असल में, तो मसाइल का इल्म भी थोड़ा बहुत जो ज़रूरी है जिस पर वो अमल करता है तो उसका इल्म भी वो रखे, बहुत ज़्यादा लें नहीं लेकिन थोड़ा बहुत उसके पास होना चाहिए क्योंकि ये उसमें मसला पेश आएगा। क्योंकि इल्म के बारे में पूछेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा, क्रॉस क्वेश्चन जब आप किसी को दावत देंगे तो वो उस पर सवाल करेगा। तो यह है कि और अल्लाह ने कुरान में फरमाया भी कि उनके पैरोकार जो अंबिया के पैरोकार थे वो भी इस चीज़ का इल्म रखते थे, मतलब ये है कि जब तक इल्म ना हो तो वो दावत नहीं देते। तो अपने आप को अपडेट करते रहना है, जो इल्म है तो अपने आप को अपडेट करें थोड़ा थोड़ा रोज़, क्या 15 मिनट आधा घंटा एक घंटा हमने उसमें दिया ताकि वो इल्म हमारे इजाफा होता जाए। और ऐसा भी नहीं करना नहीं तो हमारे अक्सर होता क्या है कि हम क्या सोचते हैं कि आज संडे है तो आज एक काम करेंगे 4 घंटे ये किताब पढ़ देंगे, अब 4 घंटे कोई पढ़ाएगी किताब तो 4 मिनट के अंदर नींद आने लग जाएगी। तो किताब का तो यही है, ये तो लोग बताते भाई नींद नहीं आती, बोले किताब पढ़ो नींद आ जाएगी, और आती है नींद, और फिर अगर कुरान पढ़े तो और जल्दी आती नींद। तो इसलिए ऐसा नहीं, इसको आप रोज़ का मामूल बनाए कि रोज़ करना है 10-15 मिनट 20 मिनट रोज़ इसको दे ताकि इल्म आपका बढ़ता है। और ये अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 108 के अंदर कुल हाजी ही सबीली ए नबी, आप कह दें कि मेरा तरीका है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ खुले जहन के साथ दलाइल के साथ बुलाता हूँ और मेरे साथ वाले भी ऐसा ही करते हैं, यानी कि उनके मानने वाले तो हम मेरे सलम के मानने वाले हैं तो वो भी ऐसा ही करते थे जो साथ में थे, तो हम भी वही तरीका, क्योंकि हम उनको बुलाए किसके लिए, इसलिए बुलाएँ कि खुले जहन के साथ और दलाइल के साथ उनको हम दावत दें, ये हमको इसमें मिलता है। तो इल्म रखते थे बुलाते थे, तो सबसे पहले कि इल्म हासिल करें, इल्म हासिल करें। अब यह इल्म नहीं है अभी तो फिर क्या करें, कि इल्म ही नहीं है तो अब इल्म हासिल करें 1 साल बाद देंगे फिर नहीं, जितना इल्म है उतना आप उससे बातचीत करते जाएंगे। तो इल्म बढ़ेगा तभी जब आप उसको किसी को बताएंगे, नहीं तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आपने बहुत सारा इल्म हासिल कर लिया 1 साल में बैठ कर, लेकिन हर दौर के अंदर सवालात लोगों के अलग होते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ती है, लोगों के जहन जिस तरफ से बढ़ते हैं, तो आप जो पढ़ रहे हैं वो तो पुराना था, अब आपने उसको पढ़ लिया पूरा साल भर लगा के, पूरे जिल्द थी 8-10 जिल्द आपने पूरी उसका इल्म हासिल कर लिया, लेकिन वो पता चल रहा है कि यार उसमें तो कोई सवाल ही नहीं कर रहा हो, क्योंकि अब लोगों की सोच चेंज हो गई, उस वक्त की सोच अलग थी आज की सोच अलग है, आज सवाल अलग है। तो ये है कि दोनों साथ में होना चाहिए, पूछाते भी जाएँ, अब वो सामने जो सवाल आते हैं उसके ऊपर आप इल्म हासिल करें, तो ये तरीका सबसे बेहतरीन है कि आप उसको पहुँचाते जाइए, आपको जो मालूम है अभी पहुँचा दिया, अब वो सवाल क्या करता है उसके बारे में इल्म हासिल करें। तो इस तरह से इल्म हासिल करेंगे तो आपका इल्म उसमें बढ़ता जाएगा। और जब एक चीज़ को हम पढ़ने जाते हैं ना, एक सवाल किसी ने कुछ किया कि यार ये इसका मतलब क्या है, वो पढ़ने जाएंगे तो उसके साथ में 10 बातें भी पढ़ाएंगे, तो इस तरह से इल्म हासिल उसको कर सकते हैं।